الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں, گزشتہ جمعے کو یہ بیان کیا گیا تھا کہ دین کی کتابیں بھی بہت چھپ رہی ہیں اور شائع ہو رہی ہیں, مسلمانوں میں پھیل رہی ہیں, دینی رسالے بھی اکثر مدارس سے شائع ہوتے ہیں, اس میں اصلاحی اور دینی مضامین ہوتے ہیں اور مساجد میں جگہ جگہ قرآن کریم کا درس بھی ہوتا ہے, جمعے سے پہلے بیان بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہفتے میں بھی کہیں درس حدیث ہوتا ہے, کہیں وعظ ہوتا ہے, تبلیغی جماعت بھی ساری دنیا میں کام کر رہی ہے. غرض کے دین کے سلسلے میں اچھا خاصا کام ہو رہا ہے اور لوگ دلچسپی کے ساتھ الحمدللہ سنتے بھی ہیں, لیکن ان تمام امور کے پائے جانے کے بعد بھی ہمارے اندر جو تبدیلی آنی چاہیے اور ہماری جو اصلاح ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. بقول ہمارے ایک استاذ محترم کے کہ اب لوگ سن سن کر سن ہو گئے, یعنی سنتے ہیں اور سننے کے بعد بے حس ہیں, عمل نہیں کرتے. گناہ کا بیان کرو تو سن لیں گے, اس کے بعد پھر گناہ چھوڑیں گے نہیں. کسی نیک کام پر بیان کیا جائے تو اس کی اہمیت, اس کی فضیلت سن لیں گے لیکن اس کا معمول نہیں بنائیں گے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ظاہر جیسے پہلے خراب تھا اب بھی ویسی خراب ہے, باطن کے اندر جو بد اخلاقیاں بھری ہوئی ہیں اور باطن کے اندر جو رذائل بھرے ہوئے ہیں وہ جو کہ تو ہیں. نیک کاموں میں سستی حد سے زیادہ پائی جاتی ہے, یوں کہ ساری سستی یہیں پر ہے, ساری غفلت یہیں پر ہے, ساری کوتاہیاں یہیں پر ہیں,
दुनिया कमाने में, नौकरी करने में, जॉब करने में, दौलत हासिल करने में सारे जवान हैं। बुढ़ा भी जवान है, जवान भी जवान है। सारी चुस्ती, सारी फुर्ती, सारी अकल, सारी समझ दौलत कमाने में है। अगर नहीं है तो दीन में नहीं है, दीन इख्तियार करने में नहीं है, दीन पर अमल करने में नहीं है। ये बात बड़े वाज़ह तौर पर नज़र आती है। तो इसकी वजह क्या है? तो गुज़श्ता जुमे में बताया गया था कि इसकी वजह मौत को याद न करना है। हमें और आपको अपनी मौत याद नहीं है। इस पर तो सबको यकीन है कि एक दिन मरना है, इससे में किसी का भी इख्तिलाफ नहीं है। सब इस पर मुत्तफिक हैं कि एक न एक दिन मरना ज़रूर है। जैसे हज़रत मज़ूब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हुस्न ज़ाहिर पर अगर तो जाएगा, आलम फ़ानी से धोखा खाएगा। हुस्न ज़ाहिर पर अगर तो जाएगा, आलम फ़ानी से धोखा खाएगा। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। तो एक दिन मरना ज़रूर है, इस पर सबका इत्तेफाक है। लेकिन जितना इस पर इत्तेफाक है उतना ही इससे गफलत है कि इसको याद करने वाले लाखों में कोई कोई है, सौ में भी नहीं, हज़ार में भी नहीं, लाखों में कोई कोई ऐसा है जो अपनी मौत को याद करता हो और मौत को याद रखता हो। उसको सुबह शाम काम के दौरान भी, नमाज के दौरान भी, घर में रहते हुए भी, दुकान पर रहते हुए भी, ऑफिस में काम करते हुए भी, कारोबार में भी, ज़राअत में भी, मुलाजमत में भी, बाज़ारों में भी, तफरीहात में भी, तकरीबात में भी, हर जगह उसको अपनी मौत याद रहती हो, ये शाज़ो नादिर है। बस यही सबसे बड़ी हमारी कोताही है, इसी की वजह से दीन पर अमल करने में गफलत है, दीन पर चलने में सुस्ती है, नमाज़ पढ़ने में सुस्ती है, ज़िक्र करने में सुस्ती है, तिलावत करने में सुस्ती है, मामूलात पूरे करने में सुस्ती है। सारी सुस्ती, सारी गफलत, सारी कोताही अगर है तो बस दीन के ऊपर अमल करने में है, दुनिया कमाने में नहीं है। वहाँ रात को भी हम जागने के लिए तैयार हैं, आठ आठ घंटे क्या बारह बारह घंटे की ड्यूटी देने के लिए तैयारी नहीं दे रहे हैं। दुनिया का तो पूरा पूरा होश है और पूरी पूरी याददाश्त और शऊर है, नहीं है तो दीन का नहीं है। और दीन के अंदर बेदारी, होशियारी, समझदारी ये जब है जबकि मौत को आदमी याद रखे। और इस सिलसिले में मैंने दो हदीसें आपको सुनाई थी, दोबारा भी मैं सुनाना चाहता हूँ ताकि वो जहन नशीन हो जाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम दस आदमी थे, उनमें से एक मैं भी था। हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो एक अंसारी साहब खड़े हुए, खड़े नहीं हुए बल्कि एक साहब, एक अंसारी साहबी ने हुजूर से सवाल किया, एक अंसारी साहबी ने हुजूर से सवाल किया कि हुजूर सबसे ज़्यादा होशियार और अक्लमंद कौन कौन है, सबसे ज़्यादा होशियार और समझदार और अक्लमंद कौन है? आपने फरमाया जो सबसे ज़्यादा मौत को याद करने वाला हो और सबसे ज़्यादा मौत की तैयारी करने वाला हो। मौत की तैयारी है दीन पर अमल करना, फ़रज़ वाजिबात सुनन मुस्तहबात को अंजाम देना, गुनाहों से अपने आप को बचाना, गलती हो जाए तो तौबा करना, ये है मौत की तैयारी। इसका नाम है मौत को याद रखना।
तो आपने फरमाया सबसे ज़्यादा अक्लमंद वो है जो मौत को ज़्यादा याद रखे, ज़्यादा से ज़्यादा मौत को याद रखे और मरने से पहले मौत की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर ले, वो है सबसे ज़्यादा होशियार और अक्लमंद। और फिर आपने दो बड़े बड़े फ़ायदे बयान फरमाए कि जो शख्स ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मौत को याद करेगा दुनिया के अंदर उसको अल्लाह ताला शराफत और बुजुर्गी से माला माल फरमाएंगे, और आखिरत में उसी का एजाज ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसका इकराम होगा, उसका एहतराम होगा, उसकी इज्जत अफजाई होगी। ये दो बड़े बड़े फ़ायदे भी बयान फरमाया। वजह उसकी यही है कि जो ज़्यादा मौत को याद करेगा तो ज़्यादा नेक अमल करेगा, जो ज़्यादा मौत को याद करेगा तो ज़्यादा गुनाहों से बचेगा, गलती हो जाएगी तो जल्दी से तौबा करेगा तो नेक ज़्यादा बनेगा, जितना ज़्यादा नेक बनेगा आखिरत में उतना ही उसका मर्तबा ज़्यादा से ज़्यादा ऊँचा होगा। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और दूसरी रिवायत ये बयान की थी कि एक रिवायत में यह है कि हजरत के एक अंसारी सहाबी खड़े हुए हुजूर की मजलिस में, एक अंसारी सहाबी खड़े हुए और उन एक अंसारी सहाबी के बजाय यहाँ पर एक नौजवान साहब खड़े हुए, एक नौजवान खड़े हुए और उन्होंने हुजूर से अर्ज किया, हुजूर सबसे ज़्यादा होशियार और समझदार कौन है? उसके जवाब में आपने फरमाया जो ज़्यादा से ज़्यादा मौत को याद रखने वाला हो और मौत से पहले जल्दी जल्दी मौत की तैयारी करने वाला हो वो सबसे ज़्यादा होशियार और अक्लमंद है। तो एक तो होशियारी और अक्लमंदी असल में ये है कि आदमी को अपनी मौत याद रहे, और जब मौत याद रहेगी तो मौत के अंदर कि मौत के याद रखने के अंदर अल्लाह ताला ने ये खासियत रखी है कि इससे इंसान का दिल दुनिया से हटता है, आखिरत की तरफ लगता है। आखिरत की तरफ लेगा तो आखिरत के काम करेगा, दुनिया में लेगा तो दुनिया काम करेगा। हमारा दिल तकरीबन पूरा का पूरा दुनिया की तरफ मुतवज्जे है, इसलिए दिन रात हम दुनिया हासिल करने में मशगूल और मसरूफ़ हैं, आखिरत की तरफ और मौत की तरफ हमारा ध्यान बहुत कम है, इसलिए दीन की तरफ हमारा रुझान बराए नाम है। ये दो हदीसें मैंने बयान की थी, आज एक और हदीस भी चलाता हूँ आपको। वो हदीस नहीं है बल्कि इरशाद है हज़रत शेख अबू हामिद लफ़ाफ़ रहमतुल्लाह अलैह का। हज़रत शेख अबू हामिद लफ़ाफ़ रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है, वो फरमाते हैं कि जो आदमी मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद रखता है, अपनी मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद करता है, उस पर अल्लाह ताला की तरफ से तीन इनाम होते हैं, तीन तरह से उसका इकराम होता है। नंबर एक, उसको जल्दी तौबा की तौफीक होती है, तौबा जल्दी करने की तौफीक हो जाती है और नसीब हो जाती है, यानी गुनाह तो अव्वल होना नहीं चाहिए मोमिन से, लेकिन बहरहाल हो जाते हैं। जब हो जाते हैं तो जो मौत को याद करने वाला होता है फौरन ही तौबा करता है, जैसे गुनाह हुआ वैसे ही वो तौबा कर लेता है, तो उसको तौबा जल्दी नसीब होती है। ये भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है भाई, ये बहुत बड़ा इकराम है। हजरत बाबा नजम अहसन रहमतुल्लाह अलैह का शेर है तौबा के सिलसिले में, और वो शेर इसलिए हजरत ने इशारत फरमाया कि किसी से अगर गुनाह हो जाए तो वो मायूस न हो, तो गुनाह के बाद मायूस न हो, सिद्क दिल से तौबा कर ले, इंशाल्लाह उसे गुनाह माफ़ हो जाएगा। जब कुफ्र शिर्क जैसा बदतरीन गुनाह भी तौबा से माफ़ हो जाता है तो बाकी सारे गुनाह तो कुफ्र शिर्क से नीचे नीचे हैं, वो तो बदरजा औला तौबा से माफ़ होंगे इंशाल्लाह ताला। तो बाज़ लोग गुनाह करने के बाद वो मायूस हो जाते हैं कि हमने तो इतने गुनाह कर लिए, इतने गुनाह कर लिए, हमारी बख्शिश हो ही नहीं सकती। तो उसके लिए हजरत ने ये शेर कहा है कि दौलतें मिल गई हैं आहों की, दौलतें मिल गई हैं आहों की, ऐसी तैसी मेरे गुनाहों की। सुभान अल्लाह,
दौलतें मिल गई हैं आहों की, यानी तौबा इस्तगफार करने की, माफ़ी मांगने की, रोने की कि अल्लाह ये गुनाह हो गया, या अल्लाह ये गुनाह हो गया, या अल्लाह ये गुनाह हो गया, अपनी रहमत से माफ़ फरमा दे। वो गुनाहों को से अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो कर, अगर रोना ना आए तो रोने की शक्ल बना बना कर तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। तो उनके लिए फरमा रहे हैं कि फिर ऐसी तैसी हमारे गुनाह होंगे, फिर गुनाह कैसे उसके आगे रह सकते हैं। तौबा से अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। हदीस में आता है ताइब मिन ज़म्बी कमन ला ज़म्बा लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला गुनाह न करने वाले के मानिंद हो जाता है। अब इससे बड़ी पक्की बात क्या होगी? तो हजरत का यह शेर याद रखने का है कि दौलतें मिल गई हैं आहों की, ऐसी तैसी मेरे गुनाहों की। तो एक इनाम तो यह होता है कि उसको तौबा जल्दी नसीब होती है, और दूसरा इनाम यह होता है कि उसको अपने मिलने वाले मालो दौलत में, जो मालो दौलत वो कमा रहा है और जिस ज़रिए माश को उसने इख्तियार किया हुआ है, उसके ज़रिए जो उसको आमदनी हो रही है, उसमें कनाहत अता फरमा देते हैं। और ये कनाहत का मिल जाना बहुत बड़ा अल्लाह ताला का इनाम है। जिसको मिल जाए बस समझो सारी राहतें उसको मिल गई। जिसको कनाहत मिल गई उसको राहत मिल गई। और कनाहत इसका नाम है कि जो कुछ मिल जाए उस पर दिल से राजी हो जाए और ये समझे कि ये भी मेरी हैसियत से बढ़कर है। या अल्लाह जितना आपने दे दिया, चाहे चटनी रोटी हो चाहे दाल रोटी हो, लेकिन उस पर भी वो दिलो जान से अल्लाह ताला की रजा में राजी हो जाए कि या अल्लाह जो कुछ आपने दिया आपकी इनायत, आपका एहसान, आपकी मेहरबानी, और ये मेरी हैसियत से बढ़कर है, मेरी औकात इस लायक नहीं है कि मुझे इतना मिलता। और जब कनात मिल जाती तो कोई परेशानी नहीं, बस तो कोई परेशानी नहीं। उसको परेशानी हिर्स और हवस की वजह से होती है, जिसका जिक्र आगे आ रहा है, मैं वहीं इसको बयान कर दूंगा। तो दूसरा इनाम होता है कि उसको अल्लाह ताला जो उसको रोजी मिल रही है और जितनी भी मिल रही है उसमें उसे कनात नसीब हो जाती है। और तीसरी दौलत और तीसरा इनाम अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए, खूब नसीब फरमाए कि उसको इबादत में शौक और ज़ौक और दिल लगना नसीब हो जाता है। बगैर नमाज पढ़े चैन नहीं आता उसको, बगैर अल्लाह के नाम लिए उसको उसके दिल को सुकून नहीं मिलता। अल्लाह का नाम लेने में, जिक्र करने में, तिलावत करने में, तस्बीहात पढ़ने में, रोज़ा रखने में, हज करने में, उम्रा करने में, नेक कामों में उसका दिल लगता ही लगता है। शौक ज़ौक अल्लाह ताला उसको अता फरमा देते हैं, उसका दिल लगता है तो इबादत में लगता है। ये इतनी बड़ी दौलत है कि अल्लाह ताला बस हम सबको नसीब फरमाए। इसका नुस्खा है मौत को याद करना, इसका तरीका है कसरत से अपनी मौत को याद रखना। जितना कोई मौत को याद करेगा उतने ही ये तीन इनाम उसको मिलेंगे। एक तौबा जल्दी नसीब होगी, दूसरे मौजूदा माल में कनात नसीब होगी, तीसरे इबादत में उसका दिल लगने लगेगा और शौक ज़ौक से वो इबादत की तरफ मुतवज्जे होने लगेगा। जितना सुकून, जितना चैन, जितना मज़ा याद इलाही में उसको नसीब होगा, किसी और चीज़ में नसीब ना होगा। एक शेर सुन लो, एक भूख सी दिल में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है, मैं रात को उठकर रोता हूं जब सारा आलम सोता है। लो वही, हमसे तो उठा नहीं जाता, उनसे सोया नहीं जाता। एक भूख सी दिल में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है, मैं रात को उठकर रोता हूं जब सारा आलम सोता है। अल्लाह अल्लाह, सुभान। तो इबादत में हमें ज़ौक नहीं है, शौक नहीं है, तबीयत नहीं चाहती, ज़बरदस्ती पढ़ते हैं जो कुछ पढ़ते हैं। लेकिन जो मौत को कसरत से याद करेगा, अल्लाह ताला पर, अल्लाह ताला की तरफ से उस पर यह इनाम होगा कि उसको इबादत में मज़ा आएगा, शौक उसका, उसकी तबीयत में शौक होगा और उसका दिल इबादत करने की तरफ, अल्लाह ताला की इताअत की तरफ मुतवज्जे होगा, गुनाहों से दूर, फरमाबरदारी में डूब जाएगा। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और फरमाया कि और जो आदमी मौत को याद नहीं करता, जो आदमी अपनी मौत से गाफिल रहता है, उस पर तीन तरह का अजाब मुसल्लत होता है, उस पर तीन किस्म का अजाब मुसल्लत होता है। नंबर एक, उसको उसकी तौबा में ताखिर होती रहती है,
कहते हाँ कर लूँगा, हाँ कर लूँगा। जैसे लोगों को कहा जाता है भाई तुम शराब पीते हो, जुआ खेलते हो, सट्टा मारते हो, कम तोलते हो, कम नापते हो, तुम्हें कुछ डर नहीं, तौबा करो, कर लेंगे, अभी कुछ खा कमा लें, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, अभी तो जवानी है, अभी तो हराम हलाल की तमीज़ के बगैर कुछ खा कमा लें, बाद में एक दफ़े तौबा कर लेंगे। तो अव्वल तो तौबा का ख्याल ही नहीं आता, और अगर ख्याल आ जाए तो उसको झटक दिया जाता है, और अगर उसे मुतवज्जे करे तो बहाने कर देता है, कर लेंगे अभी इतनी जल्दी क्या है, अलियाज़ुबिल्लाह अलियाज़ुबिल्लाह, जबकि सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, यानी किसी लम्हे मौत आ सकती है, और रात दिन आ रही है, लोग हमारे सामने जा रहे हैं, अचानक भी मर रहे हैं, बिस्तर पर अरसा लेट करके भी जा रहे हैं, लेकिन हम सबक नहीं ले रहे उससे, तो वह कर लेंगे। तो ये अजाब है ही, अल्लाह बचाए, वबाल है ये, जो मौत को याद न करने का ये वबाल है, कि जिसके नतीजे में वो तौबा जो फौरन करनी चाहिए वो उसमें ताखिर करता रहता है, उसको टालता रहता है, ये भी अजाब है, अल्लाह बचाए। और दूसरे कि उसको अपने माल में कनात नसीब नहीं होती, जितना उसको मिल रहा है उतना वो अपने लिए काफ़ी नहीं समझता, हलबी मजीद की तस्बीह पढ़ता रहता है, ये सोचता रहता है कि और मजीद कैसे कमाऊँ और दौलत और किस तरह मुझे मिले। जैसा कि दूसरी हदीस में बयान किया गया है कि इंसान की हिरसो हवस का हाल ये है कि अगर उसके पास सोने की भरी हुई एक वादी हो तब भी वो ये आरजू करेगा कि एक और हो जाए, दूसरी वादी भी सोने की भरकर उसके पास हो जाए तो तीसरी वादी की तमन्ना करेगा, यानी दो वादी उसके पास सोने से भरी हुई हैं, फिर भी उसकी हिस्स खत्म नहीं हो रही, और ये हिस्स सारी परेशानियों की जड़ें। इस वक्त जो हम यहाँ बैठे हैं या नहीं बैठे हैं 99% हम परेशान हैं, उस परेशानी के अंदर हमारी हिस्स का बड़ा दखल है, कि हिस्स के मर्ज में मुबतला है, और ये हिस्स का मर्ज लगा है मौत याद न करने की वजह से, जिसका नतीजा ये है कि 10,000 रुपये कमाने वाला ही परेशान है, 25,000 कमाने वाले ही परेशान है, 50,000 कमाने वाले ही परेशान है, 1,00,000 कमाने वाला भी परेशान है, और लाखों और अरबों करोड़ों कमाने वाले भी परेशान है। ये परेशानी हिर्स की वजह से है, क्योंकि जितना भी मिल रहा है वो कम लग रहा है, जितना भी मिल रहा है वो कम लग रहा है, एक फैक्ट्री हो जाए तो दूसरी की फिक्र है, दूसरी हो जाए तो तीसरी की फिक्र है, और वो ऐसे अंदाज से दूसरी तीसरी की फिक्र करता है कि खुश होता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वो आगे नहीं बढ़ रहा, कब्र में उतर रहा है, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, अगर अल्लाह ताला अकल अता फरमा दे तो उसको जो कुछ भी रोजी मिल रही है उसमें कनात नसीब नहीं होती, ये भी 1,000 वबालों का अजाबों का एक अजाब है, अल्लाह बचाए। और तीसरा अजाब और उसके ऊपर ये होता है कि नेक आमाल में वो सुस्ती के अंदर मुबतला हो जाता है, नमाज में सुस्ती, रोजा रखने में सुस्ती, हज फर्ज हो गया हज अदा करने में सुस्ती, गुनाहों से बचने में सुस्ती, बस सारी गफलत सारी सुस्ती और सारी लापरवाही अगर है तो नेक आमाल में है, दीन पर अमल करने में है। अब ये देखो हमारे अंदर ये बात है या नहीं, अगर अपने गिरेबानों में झांकेंगे तो हमें ये चीज़ नजर आएगी कि हिल्स में हम मुबतला हैं, नेक आमाल पर अमल करने में हमारे अंदर कूट कूट कर सुस्ती भरी हुई है, सारे बहाने अगर हैं तो वो नेक आमाल के करने में है, दुनिया कमाने में नहीं है। और तौबा की तौफीक शाज़ो नादिर किसी किसी को होती है, जिसको सच्ची तौबा कहते हैं। तो जो आदमी मौत को याद नहीं करेगा ये तीन अजाब उसके ऊपर मुसल्लत होते हैं। तो भाई ये याद रखने की है ये रिवायत कि जो आदमी मौत को याद रखता है और कसरत से याद करता है उस पर तीन इनाम होते हैं, तौबा जल्दी नसीब होती है, माल में कनात नसीब होती है, और अल्लाह ताला अपने रहमत से इबादत का अंदर उसका दिल लगा देते हैं, और बहुत ही ज़्यादा उसका इबादत करने में दिल लगता है,
और जो मौत को याद नहीं करता उसको भूले रखता है, भुलाए रखता है, तो उसके ऊपर तीन अजाब मुसल्लत होते हैं, तौबा उसके में ताखिर होती रहती है, हिर्स में वो डूबता रहता है, और माल में कनाज से महरूम रहता है, और इबादत में सुस्ती, काहली, लापरवाही, जैसे फजर की नमाज भी कजा, ईशा की नमाज भी कजा, शादी ब्याह में नमाज कजा, दुकानदारी में नमाज जमात फौत, और जनाब सारी तकरीबात के अंदर नमाजें रोजे सब कजा, और गुनाहे गुनाह सर से पैर तक हो रहे हैं। लिहाजा मौत का मुराकबा इसका इलाज है। अब आखिर में मौत का मुराकबा मैं अर्ज कर देता हूं कि हम सबको चाहिए कि रोजाना सिर्फ 5 मिनट मौत का मुराकबा करें, 5 मिनट मौत का मुराकबा करें, कि तन्हाई में बैठ जाए। अब तन्हाई चाहे मस्जिद के कोने में हो और चाहे घर के अपने कमरे में हो या किसी और जगह पर हो, मगर तन्हाई चाहिए इसके लिए। और तन्हाई के साथ साथ एक तो जाहिरी तन्हाई चाहिए, एक दिमाग की तन्हाई भी चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग में भी हर वक्त ख्यालात और वसाविस का एक दर्जा बहता रहता है। कभी ये ख्याल आया, कभी वो ख्याल आया, कभी ये इधर ध्यान, कभी उधर का ध्यान आ गया, कभी दुकान का, कभी दोस्तों का, कभी कहीं का, वो हर वक्त एक रील चलती रहती है दिमाग के अंदर। उसे भी हटाए, हटाने से वो भी हट जाती है, याद रखो। और इसके बाद अपना मरना सोचें, और मैं नमूने के तौर पर उसका एक खाका बता देता हूँ, उसी तरह आप भी सोच लिया करें कि अब मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे हार्ट अटैक हो गया है, अस्पताल में दाखिल हो गया हूँ और बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ, और डॉक्टरों ने कह दिया है कि भाई अटैक बहुत ज़बरदस्त हुआ है, अस्पताल ने बहुत देर लगा दी, अब जान बचना मुश्किल है, बस गिनती के सांस रह गए हैं, अब जनाब मैं बिस्तर पे हूँ, डॉक्टर सारी तदबीरें कर रहे हैं और कोई काम नहीं, कारगर नहीं हो रही, मेरे घर वाले सारे आ गए, डॉक्टरों ने कह दिया भाई अब आखिरी वक्त आ गया है भाई, अब सब मेरे चारों तरफ खड़े हुए हैं, सब रो रहे हैं और मेरा सांस चल रहा है, और देखते 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 मेरी रूह निकल गई। अब मेरे ऊपर लोगों ने चादर ढक दी, अब मुझे नहलाने की तैयारी कर रहे हैं, गुस्ल दिया जा रहा है, फिर इसके बाद कफनाया जा रहा है। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ वापस नमूना दिखाने के लिए, तो इसलिए आप उसको ज़रा सा ठहर ठहर कर सोच के जैसा होता है आप उस तरह सोचेंगे तो ज़रा सा ये मुराकबा लंबा भी हो जाएगा, तो अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला, फ़ायदा ज़्यादा होगा फिर आपको। अब इसके बाद मुझे गुस्ल दिया जा रहा है, गुस्ल भी हो गया, अब कफनाया जा रहा है, कफन भी पहना दिया, अब मुझे मसहरी में रखा जा रहा है, अब नमाज जनाजा के लिए ले जाया जा रहा है, मस्जिद में जा कर के जनाजा में रख दिया गया है, इमाम साहब अब सफ़े सीधी करवा रहे हैं, अब मेरी नमाज जनाजा हो रही है, अब नमाज जनाजा ख़त्म हो गई, अब मुझे कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है, अब कब्र के सराहने मेरी मसहरी उतार दी गई है और कब्र तैयार है, अब मुझे मसहरी में से उतार करके कब्र में लिटाया जा रहा है और मेरे कफन की पट्टियाँ खोल दी गई हैं और स्लेब लगाए जा रहे हैं, ऊपर से मिट्टी डाली जा रही है, अब सब लोग जितने भी मेरे मुतालिक हैं इन्हें मुझको मिट्टी दे रहे हैं। और एक शेर भी सुन लो दोस्त, जिंदगी भर की मोहब्बत का ये सिला दे गए, दोस्त और अहबाब मिलकर मुझको मिट्टी दे गए, जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला ये दे गए, जिंदगी भर की मोहब्बत का ये सिला दे गए, दोस्त और अहबाब आकर मुझको मिट्टी दे गए। सारे दोस्तों का तो भाई इतना हासिल हो भाई, ये आखिरी आके हमारे दोस्त का भाई उसे खबर में हम मिट्टी दे दें भाई उसे, तो दोस्तों का तो ये हाल है देखो, जिनके खातिर इंसान न जाने कितने गुनाह कर बैठता है, तो वो मिट्टी दे रहे हैं और सब खबर तैयार, अलिफ़िलामीम से मुफलिहून तक सराहने और अलिफ़िलामीम से मुफलिहून तक सराहने और आमन रसूल से ख़त्म तक पाइंती पढ़ा, अब सब लोग जो है वापस जा रहे हैं, अब मैं अकेला हूँ, मुनकर नकीर आ गए, मुझसे सवालात कर रहे, मैं से जवाब नहीं बन पड़ रहा, अब मेरा क्या होगा, खबर में आगे अकेला हूँ, अंधेरा ही अंधेरा है, वहशत ही वहशत है, कोई गमगुसार नहीं है, कोई यार दोस्त नहीं है, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। और खबर का अजाब थोड़ा सोचें, जो खबर के अंदर अजाब होता है उसको सोचें, बस इसे कहते हैं मुराकबा मौत। जितना कोई पाबंदी के साथ 5 मिनट रोज़ाना ये मुराकबा करेगा, 40 दिन के बाद अपने दिल की हालत देख ले, इंशाल्लाह उसको नुमाया तब्दीली महसूस होगी। और ये जो फ़वाद मैंने बयान किए हैं पहली हदीस में, और 3 फवाद मैंने बयान किए शेख अबू हामिद लफ़ाफ़ रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, ये और इसके अलावा उलमा ने फरमाया कि मौत की याद में 10 बड़े बड़े फ़ायदे हैं, जिसमें से 5 तो ये मैंने बयान कर दिए, 5 इसके अलावा और भी हैं
जिसमें एक बड़ा फ़ायदा यह है कि इंसान के दिल से दुनिया निकलती है और आखिरत बसती है, ये भी हासिल होगा इंशाअल्लाह ताला। और जब ये होगा तो आखिरत की फिक्र की वजह से गुनाह छोड़ना आसान, मामूलात पूरे करना भी आसान, तहज्जुद में भी उठना आसान, नमाज बाजमात पढ़ना भी आसान, सारा दिन आसान, उस पर अमल करना बेहद आसान। और एक ये अमल करें कि हफ्ते में या 15 दिन में कब्रिस्तान ज़रूर जाया करें और अपने वालदैन, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब, दोस्त अहबाब के मज़ार पर भी जाए, आम मुसलमानों के मज़ारों पर जाए और वहाँ पर उनके लिए दुआए मग़फ़िरत और इसाले सवाब करे। सिर्फ कब्रों की ज़ियारत भी इंसान के लिए मौत याद दिलाने का बेहतरीन ज़रिया है। हदीस में फरमाया कि तुम कब्र की ज़ियारत क्या करो, क्योंकि ये आख़िरत की याद दिलाने का ज़रिया है। तो ये भी एक अमल है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अपनी रहमत से मौत को कसरत से याद करने की तौफीक दे, और मौत को भुलाने की वजह से जो वबाल हम पर आया हुआ है उसको अपनी रहमत से दूर फरमाए। वाकई दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आइंदा जुमे मेरा सफ़र मुतवक्का है इंशाअल्लाह ताला।